एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक मामले में नया मोड़ आया है और सतीश कौशिक की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जांच में दिल्ली पुलिस ने उनके फार्म हाउस से कई दवाइयां बरामद की है। जी हां, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है, लेकिन अब उनकी मौत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सतीश कौशिक की हत्या पर पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अभिनेता की मौत के बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम ने फार्म हाउस में जाकर जांच की तो पुलिस को कुछ दवाइयां मिली थी। फिलहाल पुलिस अभिनेता के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मामला साफ हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने होली की पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट भी तैयार की है जो उस वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे, और पुलिस उस उद्योगपति से भी पूछताछ करना चाहती है जो सतीश कौशिक की मौत के बाद से ही फरार है। आपको बता दें, सतीश कौशिक का एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता की अचानक मौत कार्डियक अटैक के कारण हुई थी, और प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पे चोट के कोई भी निशान नहीं मिले थे। एक्टर के शरीर में अल्कोहल भी नहीं मिला था। तो वहीं दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अभिनेता सतीश कौशिक की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 174 के तहत नियमित कार्रवाई कर रही है, और अभी दिल्ली पुलिस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आपको बता दें, एक्टर ने 7 मार्च को मुंबई के जुहू में होली पार्टी अटेंड की थी, जिसके बाद होली पार्टी अटेंड करने के बाद वो फिर से दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली रवाना होने के बाद ही दिल्ली पहुंचने के बाद से ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर रात उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।